अरे भाई साहब, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और नए वैकेंसी आए हैं, हाई कोर्ट दिल्ली में आया हुआ है। अब इसको वैकेंसी के बारे में आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग आपका 6/3 को हो गया हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है 31/3/23 को होगा लास्ट डेट है। ठीक, इसका वेबसाइट आपको दिया हुआ है www.delhihighcourtnca.in पे है। देखिए कितना कितना है। ग्रुप B लेवल 8 का है और मैट्रिक्स ऑफर लेवल 7 CPS है। जनरल में 11 सीट है, EWS में 10 सीट है, OBC NCL में 23 सीट है और SC में 9 सीट है, ST में 7 सीट है। टोटल सीट 60 है। PWD के लिए 4 है और जो विकलांग है, OL है, BL है, LC है, उसको 2 सीट है। उसका ASD का है, उसका 2 सीट है। ग्रुप बी में देखिए पर्सनल असिस्टेंट का दिया हुआ है 29 सीट है। जनरल में 6 EWS में, OBC 17 है और 10 SC में है और वो 5 ST में है। 67 सीट है। इसमें आप देख सकते हैं इसको। क्वालिफिकेशन में देख लीजिए आप, ग्रेजुएशन फॉर टू रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इंग्लिश WPS 14 WPS मीटर में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए और नॉट लेस देन 110 110 WPS में होना चाहिए। ठीक, आप ये देख सकते हैं रिलैक्सेशन, आपको ये देख सकते हैं। ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल है, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD ST SC के लिए 15 साल है और एक सर्विस मैन है। 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इसमें। और जो उसमें है, आपको कम से कम मिनिमम 40% आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाके उसमें आपको सिलेक्शन हो सकता है अगले राउंड के लिए। और टाइपिंग में है, इंग्लिश टाइपिंग है, ये 110 वर्ड रहेगा पर मिनट में रहेगा और टोटल पेजेज और 510 वर्ड्स इन आवर ड्यूरेशन 5 मिनट्स, 5 मिनट में 510 पेज लिखना है। टोटल 100 मार्क्स का होगा इसमें। स्टेज टू में देखिए 250 से 250 वर्ड 40 मार्क्स का होगा और लेटर जो होगा 15 मार्क्स का होगा। ग्रामर एंड कंपोजिशन पैसेज 25 मार्क्स का होगा। अब इसका इंटरव्यू, मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द जनरल फॉर्म कैटेगरी इन 10 मार्क्स एंड फॉर्म रिवॉर्ड इन इंक्लूडिंग PWD एंड क्लाइंट इन 9 मार्क्स, 9 मार्क्स PWD इंक्लूड रहेगा उसमें।